रेडियो टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आज आपके लिए किस्सा लाया हूं वो जो कि मधुबाला का है। आपको प्रेमनाथ और मधुबाला की प्रेम कहानी की बात बताएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो बाद में शेयर भी कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। मधुबाला का मन भी उनकी खूबसूरती की तरह बिल्कुल पाक था। 1950 में मधुबाला ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए उस वक्त 50,000 रुपए का दान दिया था। 1950 में मधुबाला ने फिल्म बादल भी साइन की थी। इसमें उनके अभिनेता थे प्रेमनाथ। शूटिंग के दौरान ही इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। उस समय मधुबाला का करियर टॉप पर था। उन्होंने प्रेमनाथ से दिल से प्यार किया था और प्रेमनाथ का भी मधुबाला पर अगाध प्रेम था। ये प्रेम इतना गहरा हो गया था कि प्रेमनाथ को निर्देशक अगर किसी फिल्म में लेना चाहते थे तो बस एकमात्र सिफारिश मधुबाला की चाहिए होती थी और प्रेमनाथ वो फिल्म कर लेते थे। ये उनका प्रेम विश्वास था और ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, पर धर्म अलग अलग होने से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आगे चलकर प्रेमनाथ ने उस समय की मशहूर अभिनेत्री बीना रॉय से शादी कर ली थी। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा और सदमे में वो प्रेमनाथ को कह बैठी, मेरे प्यार की तुमने उपेक्षा की है, प्रेम विवाह कर रहे हो, तुम्हारा ये विवाह कभी सफल नहीं होगा। और हुआ भी यही, प्रेमनाथ और बीना रॉय की कभी पटरी नहीं बैठी और प्रेमनाथ भी मधुबाला को बहुत याद करते रहे, बहुत शराब पीने लगे। और जब मधुबाला को ये पता चला कि प्रेमनाथ शराब पीने लगे हैं, तब दिल की खूबसूरत मधुबाला ने कह दिया, प्रेम आज के बाद अगर तुमने शराब पी तो मेरा खून पियोगे। प्रेमनाथ ने 14 साल तक उसके बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाया और फिल्म बादल से प्रेमनाथ उनकी जिंदगी में आए और फिल्म साकी वो फिल्म थी जिससे वो लौट गए और उनका ये रिश्ता सिर्फ 6 महीने चल पाया। लेकिन यहाँ ये बात है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। 17 साल की मधुबाला का दिल टूट तो गया था पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक नई सुबह के साथ उन्होंने नई जिंदगी की फिर से शुरुआत की और अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो गई। तो आज बॉलीवुड टॉकीज के किस्से में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे इन वीडियोस को शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि सारे एपिसोड आपको मिलते चले जाएं। और अगर आपके मन में है कि मैं मधुबाला की पूरी जीवनी देखूं, बायोग्राफी देखूं, तो ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, हमारा बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफी का चैनल है, वहाँ पर आप इस पूरी बायोग्राफी को देख सकते हैं। तब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।